हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस टेक में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर आपके आधार कार्ड में लॉक लग चुका है तो आप कैसे उसको अनलॉक कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है, अगर आपका आधार कार्ड लॉक होता है तो आप उसका कोई भी सर्विस का यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते या और भी कोई सर्विस का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आ गए। गूगल पे आने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे UIDAI सर्च करने के बाद हमारा ये पेज ओपन होगा। हम यहाँ UIDAI पे क्लिक करेंगे, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। देख सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ देखेंगे आप लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो फिर हम इस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेप वन में लिखा है, इसको अनलॉक करने के लिए आपको आधार 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी चाहिए, जो कि VID होता है हमारा। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप फ़ोन के मैसेज बॉक्स में जाएंगे, जो नंबर आपका इसमें रजिस्टर्ड है, और वहाँ पे ये RVID और अपने आधार का लास्ट चार डिजिट, जैसे मान लीजिए आपके आधार में लास्ट चार डिजिट 1234 है, तो 1234 को यहाँ पर एंटर करेंगे डिजिट को, और उसको 1947 पर मैसेज को सेंड कर देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक लॉक आधार का और एक अनलॉक आधार का। अगर आपको आधार कार्ड को लॉक करना है तो आप इस प्रोसेस से जा सकते हैं, अगर आपको अनलॉक करना है तो आप अनलॉक पर क्लिक करें। तो हमें अभी अनलॉक करना है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे वर्चुअल आईडी मांग रहा है, हम यहाँ पे अपना वर्चुअल आईडी डाल देंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना वर्चुअल आईडी डाल दिया है। यहाँ हमें अपना कैप्चा एंटर करना है, तो हम कैप्चा को एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ कैप्चा एंटर कर दिया है, फिर हम यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, तो आप उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, उस OTP को। तो हमने OTP को डाल दिया है, जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया था। यहाँ पे आप टिक कर देंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका आधार नंबर सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।